We are talking about the chapter Bhakti and Sufi Tradition. और पिछले वीडियो में हमने दो वीडियो में हमने देखा दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटक की भक्ति ट्रेडिशन अलवार नैनार एंड बीरशैव. इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में उसी समय कौन भक्ति भक्त की कौन सी ट्रेडिशन चल रही थी. ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन नॉर्थ इंडिया डाइटीज सच एज विष्णु एंड शिवा वेयर वर्शिप्ड इन टेम्पल्स ऑफ्टन ब्यूट विद द राजपूत सपोर्ट ऑफ रूलर्स. जिस समय यानी कि 6 सेंचुरी से लेकर के 14 सेंचुरी तक जिस समय साउथ इंडिया में अलवार और नैनार नामक सेक्ट थे और वह एक मूवमेंट चल रहा था और वो लोग उनके कई कंपोजिशन उनके प्रेयर की कंपोजिशन थी जो कि मंदिरों में गाई जाती थी और उनके जो है सेक्टों के बीच में एज उनके प्रेयर के रूप में गाया जाता था. उसी समय नॉर्थ इंडिया में के मंदिरों में टेंपल्स में रूलर जो जो जिन टेंपलों को रूलर्स ने बनाया होता था उन टेंपलों में विष्णु और शिव की पूजा होती थी. पूजा तो होती थी लेकिन हिस्टोरियंस हैव नॉट फाउंड एविडेंस ऑफ एनीथिंग रिजेंबलिंग द कंपोजिशन ऑफ द अलवार एंड नैनार टिल द 14th सेंचुरी. यानी कि साउथ इंडिया के तमिलनाडु के अलवार और नैनार के जैसे प्रेयर के कंपोजिशन वहां पर थे वैसा कोई कंपोजिशन नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता है. हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस डिफरेंट. हमें देखना है कि ये जो अंतर था यानी कि विष्णु शिव की पूजा तो होती थी जैसे ही जैसे साउथ इंडिया में अलवार और नैनार विष्णु और शिव की पूजा करते थे यहाँ पर भी विष्णु और शिव की पूजा होती थी लेकिन वहां पर एक पूरी की पूरा मूवमेंट चल रहा था जिनके अपने कंपोजिशन थे वैसा कोई कंपोजिशन यानी कि प्रेयर के सॉन्ग यहाँ पर नहीं थे. इसके कारण क्या थे. अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन इन नॉर्थ इंडिया दिस वॉज द पीरियड वेन सेवरल राजपूत स्टेट्स इमर्ज. यहाँ पर राजपूतों का राज राजपूत काल जैसे बोलते हैं यानी कि 6वीं से लेकर के 12-13 तक 12वीं तक जो जिसको हम राजपूत काल बोलते थे. इन मोस्ट ऑफ द स्टेट ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड पोजीशंस ऑफ इम्पोर्टेंस परफॉर्मिंग द रेंज ऑफ सेकुलर एंड रिचुअल फंक्शन. जब राजपूत काल था तो उनके जो कोर्ट थी उसमें ब्राह्मण सबसे इम्पोर्टेंट होता था और ब्राह्मण रिलीजन के सारे रिचुअल चाहे वो सेकुलर हो यानी कि सांसारिक बातें हो चाहे वो रिचुअल की बातें हो सारे फंक्शन को करता था और ब्राह्मण की इस स्टेटस को इस रोल को इस पोजीशन को कोई दूसरा सेक्ट चैलेंज देने की स्थिति में नहीं था. लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसी समय एक और मूवमेंट चल रहा था. एट द सेम टाइम अदर रिलीजियस लीडर who did not function within the orthodox brahmanical framework. यानी कि जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क था जो ब्राह्मणवाद था इस ब्राह्मणवाद से अलग एक और मूवमेंट चल रहा था जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाथ जोगी एंड सिद्ध. ये ब्राह्मण ये क्लासिकल ब्राह्मणवाद के विरोधी थे कम से कम उसको एटलीस्ट दे डिडंट बिलीव इन क्लासिकल ब्राह्मणवाद. Many of them came from artisanal groups. उसमें से बहुत सारे दस्तकार यानी कि जो काम करते हैं जो चीजें बनाते हैं जैसे कि लोहार धोबी नाई आर्टिजन क्लास से आते थे who were becoming increasingly important with the development of organized craft production. यानी कि जब क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि जो दस्तकारी प्रोडक्शन में जब वृद्धि हुई तो इनकी इन दस्तकारों की इम्पॉर्टेंट सोसाइटी में बढ़ा और इनकी जो जो दस्तकारी की वृद्धि थी वो कैसे थी. दरअसल हुआ एक नए अर्बन क्लास के इमर्जेंस के कारण थी और लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड के कारण थे. यानी कि जो इन ड्राफ्ट क्लास में जो इम्पोर्टेंस बढ़ी इन ड्राफ्ट क्लास के अपने लीडर्स पैदा हुए जो लोग जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क था रिलीजन का उसके कम से कम पैरेलल में खड़े हो गए और वो जो ब्राह्मणवाद के जो सुप्रियॉरिटी थी उसको उन लोगों ने चैलेंज किया. मेनी ऑफ दीज न्यू रिलीजियस लीडर क्वेश्चन दी अथॉरिटी ऑफ वेदा. उन लोगों ने जो पहला क्वेश्चन किया दैट वाज द बेस ऑफ
ब्राह्मणिकल रिलीजन, ब्राह्मणवाद के वो बेस में थे। और वो क्या था? वेद। उन्होंने पहला चैलेंज किया, वेद को चैलेंज किया, एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन लैंग्वेजेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल। वेद की लैंग्वेज क्या थी? क्लासिकल संस्कृत थे। लेकिन इन जो नए लीडर्स, योगी समुदाय या सिद्ध संप्रदाय के लोग आए, इन लोगों ने जो लोगों की ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी, क्लासिकल संस्कृत की जगह से लोगों की जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी उस पर बात करना शुरू कर दिया, जो कि विच डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज इनटू द वंस यूज्ड टुडे, जो कि शताब्दियों में पैदा हुई थी। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ देयर पॉपुलरिटी दीज रिलीजियस लीडर वेयर नॉट इन ए पोजिशन टू विन दिस सपोर्ट ऑफ द रूलिंग एलिट्स। ये इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो ये रिलीजियस लीडर थे, इनको पब्लिक सपोर्ट था, इनके अपने डिवोटी थे, लेकिन फिर भी ये नॉर्थ इंडिया में ये रूलर्स का, जिस तरीके से ब्राह्मणों को राजपूतों का संरक्षण प्राप्त था या ब्राह्मणवाद को राजपूतों का संरक्षण प्राप्त था, उस प्रकार से ये जो रिलीजियस लीडर थे, इनको रूलिंग एलिट्स का कोई सपोर्ट नहीं मिला। ए न्यू एलिमेंट इन दिस सिचुएशन वाज कमिंग ऑफ द तुर्क विच कल्मिनेटेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यानी कि ए न्यू एलिमेंट ऑफ द सिचुएशन, ये जो राजपूत काल था, इसकी 12वीं शताब्दी तक इसमें एक नया एलिमेंट पैदा हुआ, और जिसका रिजल्ट था दिल्ली सल्तनत। यानी कि तुर्कों का आना एक नई बात थी, और वह बात जो है दिल्ली सल्तनत 13वीं सेंचुरी में 1206 में दिल्ली सल्तनत के रूप में इस्टेब्लिश्ड हुई। दिस अंडरमाइंड द पावर ऑफ मेनी ऑफ द राजपूत स्टेट एंड द ब्राह्मण्स हु वेयर एसोसिएटेड विद दिस किंगडम। तुर्कों के आने के बाद, सल्तनत युग के बाद, दो बातें हुई। जो राजपूत काल था, यानी कि जो राजपूत राजाओं का जो इम्पोर्टेंस थी, जो उनका सोसाइटी में जो उनका नियंत्रण था, वो खत्म हो गया। और राजपूत नियंत्रण के कंट्रोल के कम होने के साथ ही जो उनसे जुड़े हुए जो ब्राह्मण का जो ब्राह्मणवाद था, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था, उसका भी जोर खत्म हो गया। दिस वाज एकम्पनीड बाई मार्क चैलेंज इन द रेल्म चेंजेज इन द रेल्म ऑफ कल्चर एंड रिलीजन। और ये जो इम्पैक्ट हुआ, इसका कल्चर और रिलीजन के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ। दिस कमिंग ऑफ द सूफी वाज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। और ये जो न्यू डेवलपमेंट था, यानी कि राजपूतों का, राजपूत काल का नीचे जाना, उनके साथ ही ब्राह्मणवाद का नीचे जाना, और नए नए संप्रदायों का उभरना, और दूसरी तरफ से तुर्कों का आना, सल्तनत युग का होना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद एक नई परंपरा आती है सामने, जिसे कहते हैं सूफीवाद। यानी कि जो एक भारतीय इंडियन कल्चर को लेकर के आगे बढ़ती है, जिसमें जो एक नई संस्कृति आई थी, एक नया कल्चर आया था, इस्लाम के भी ट्रेट्स हैं, और जो हमारी अपनी पुरानी ब्राह्मणवाद के जो पैरेलल एक कल्चर पैदा हो रही थी, एक विचार पैदा हो रहा था, दोनों के कल्मिनेशन के बाद हमने सूफीवाद हमारे सामने आता है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सूफीवाद पर चर्चा करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे आने वाले सभी वीडियो के, सभी विषयों पर, सभी वीडियो के और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियो के लिए आप समय से सूचना मिल सके। धन्यवाद।